नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिवाली से पहले पर्यावरण को बचाने के लिए कितनी भी कस्में खाई जाए, लेकिन जश्न के इस त्योहार में सारी कस्में टूट जाती है। पटाखे की आवाज, फुलझड़ी की रोशनी, अनार के अंगारे और रॉकेट की रंग बिरंगी आसमानी चमक हमें खूब भाती है, इसलिए हमें याद ही नहीं रहता कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन दिवाली के दूसरे दिन इसका असर देश के कई शहरों में देखा जा सकता है। दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का लेवल बहुत ऊपर हो चुका है। आतिशबाजी का देश के कई शहरों में असर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन था, फिर भी राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में दर्ज की गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से लेकर 999 तक रिकॉर्ड किया गया, जहां पर 400 से 500 के बीच का AQI होना गंभीर माना जाता है। तो 999 का AQI, यहां तक AQI को पहुंचना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है। ऐसे में दिल्ली NCR समेत कई शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। अब सवाल उठता है, कैसे हम प्रदूषण के खिलाफ ये युद्ध लड़ पाएंगे? दिवाली के बाद दिल्ली NCR की क्या स्थिति है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरह से धूल की चादर चारों तरफ दिखाई दे रही है। हवा की सेहत खराब होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश के बाद पटाखों की बिक्री और पटाखों को फोड़ने जलाने पर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके खूब पटाखे बिके और फूटे भी, जिसका असर अब इन शहरों में देखने को मिल रहा है। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं, लेकिन किसकी वजह से ये बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद से सोचने की दरकार है। ये देखिए पांच तस्वीरें आपके सामने, पांच शहरों की। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, जहां देखो वहां पर ये देखिए किस तरह से पटाखों के ये फूटने के बाद के छिलके बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जरा देखिए, सफेद चादर से बिछी हुई, ये कोई सर्दी की या फिर फॉग की चादर नहीं है, ये स्मॉग की चादर है, ये धुएं की चादर है। और ये धुआं जो उत्पन्न हुआ है पटाखों के फोड़ने की वजह से, हालांकि दिल्ली में पूरी तरह से बैन था, ना पटाखे बिकेंगे तो फूटने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट, पटाखे जमकर बिके भी और फूटे भी। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था। सरकार ने लोगों से अपील की थी कि दिवाली पर पटाखे नहीं बल्कि दिए जलाएं, लेकिन फिर भी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, उसका बुरा असर देखने को मिला। जनतंत्र TV की टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का लिया जायजा, जरा देखिए। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही एक कोहरे की परत चारों तरफ दिखाई दी और वहीं लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक दीपावली के अगले दिन ये नजारा है दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का। सिग्नेचर ब्रिज को आप देख सकते हैं, चारों तरफ से एक धुंध की जो परत है इसकी तरफ है। और आपको मैं बता दूं, ये कोहरा नहीं है, ये धुंध नहीं है, बल्कि ये वो प्रदूषण है जो बीती रात राजधानी दिल्ली और दिल्ली NCR में जमकर आतिशबाजी हुई। उस आतिशबाजी का असर सीधा सीधा शुक्रवार सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सिग्नेचर ब्रिज के चारों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ एक धुएं का गुब्बार चारों तरफ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर बनती जा रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पटाखों को बैन किया। आपको ये भी बता दें, पिछले साल के मुकाबले इस बार दीपावली पर दिल्ली के अंदर पटाखे की आतिशबाजी बहुत कम हुई है, लेकिन दिल्ली NCR में जो आतिशबाजी हुई है कहीं ना कहीं ये असर उसका भी राजधानी में हो सकता है, क्योंकि दिल्ली NCR में जब पुरानी ले जलाई जाती है तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। और वहीं बीती रात भी जो आतिशबाजी हुई दिल्ली NCR और दिल्ली में, उसका सीधा असर अब राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और हम जैसे लोगों की लापरवाही के चलते आज राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनती हुई नजर आ रही है।
नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रही है। उसी के मद्देनजर दिवाली के दिन पटाखों को पूर्ण तरीके से बैन कर दिया गया था ताकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम रहे। लेकिन दिवाली के अगले सुबह दिल्ली में प्रदूषण का लेवल 655 के पार मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से आसमान में एक धूल की चादर बनी हुई है। और साथ ही साथ दिवाली की अगली सुबह लोगों की शिकायत भी रही कि उनकी आंखों में जलन और खासा गले में खराश की शिकायत रही। इसमें दिल्ली की जनता की साफ लापरवाही देखने को मिली है कि किस तरीके जितने भी प्रयासों के बाद दिल्ली सरकार ने और तमाम एजेंसियों ने दिल्ली की जनता से अपील की थी कि दिवाली के दिन पटाखे ना फोड़ें, लेकिन दिल्ली की जनता की इसमें साफ लापरवाही देखी गई है। और अब दिल्ली सरकार चिंता में है कि किस तरीके से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए भावना की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह से ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। नोएडा में विजिबिलिटी इतनी कम थी कि ना तो हाईवे पर 200 मीटर से दूर की गाड़ियां नजर आ रही थी, ना ही ऊंची ऊंची इमारतें। जनतंत्र टीवी संवाददाता विनय गुप्ता ने महामाया ओवरब्रिज से प्रदूषण का लिया जायजा। देखिए कैसी स्थिति है यहाँ हवा की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कल रात दीपावली बीतने के बाद ही सुबह जब हुई तो पूरे आसमान और सड़कों पर जो है एक धुंध की चादर दिखाई दी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है धुंध पूरे एनसीआर में फैल रखी है। आप बात करें, हम इस समय महामाया फ्लाईओवर पर हैं और जो नोएडा से दिल्ली आने जाने वाहन हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धुंध ज़्यादा होने के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। 150 से 200 मीटर की जो दूरी पे सामने के वाहन हैं या हाई राइज बिल्डिंग हैं वो साफ दिखाई नहीं दे रही है धुंध के कारण, जिससे कि उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप एक्सप्रेसवे के की तस्वीरें भी देखेंगे जो नोएडा महामाया से होते हुए ग्रेटर नोएडा के साथ जाता है, तो उनकी जो गति है, वाहनों की रफ्तार है, वो बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि धुंध होने के कारण हर कोई जो है सावधानी बरत रहा है और धीरे धीरे चल रहा है, जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वहीं बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के बाद से तेज़ी से ग्राफ बढ़ा है। एक्यूआई लेवल जो आज 692 के करीब पहुंच गया, जो कि बहुत ही हानिकारक है। डॉक्टर की साफ कहना है कि डॉक्टर का साफ कहना है कि बच्चों और बुजुर्ग के लिए अगर बहुत ही हानिकारक है, अगर उन्हें अनिवार्य काम हो तभी घर से बाहर लेकर जाएं या घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर के अंदर ही रहे, जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो सके। और साथ ही साथ प्रदूषण का स्तर दीपावली के बाद से जिस प्रकार तेज़ी से बढ़ा उसको लेकर के जिला प्रशासन नोएडा प्राधिकरण पहले से ही अलर्ट था और छिड़काव के कार्य जगह जगह कर रहा था। साथ ही साथ हाई राइज बिल्डिंगें जहां बन रही थी कंस्ट्रक्शन साइटों पर, उन बिल्डरों को भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिया गया था कि अपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइटों पर स्मोक गन लगाया जाए, जिससे कि प्रदूषण कम हो सके। और अब जो इतनी तेज़ी 692 एक्यूआई लेवल पहुँचा हुआ है, इसको लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट है, जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि और जो प्रदूषण का स्तर है आगे ना बढ़ सके, जिससे और कम किया जा सके। नोएडा से विनायक गुप्ता, जनतंत्र टीवी। पटाखों पर बैन के बावजूद जिस तरह से जमकर आतिशबाजी हुई और अब उसका असर प्रदूषण के रूप में देखने को मिल रहा है, लोगों को ही तकलीफ हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय 3 संवाददाता हमारे मौजूद हैं। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी जुड़े हुए, हमारे साथ फरीदाबाद से सुनील चौधरी मौजूद हैं और गाजियाबाद से अरुण चंद्रा भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अरुण चंद्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, शहर शहर प्रदूषण का कहर गाजियाबाद में किस तरह से बरप रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर क्या कहता है, जरा बताएं, और लोग मानने को तैयार क्यों नहीं होते हैं? शिल्पा, साफ तौर पे बता दूं कि जिस तरह से गाजियाबाद या तमाम उत्तर प्रदेश में जी, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कोई एक आदमी नहीं है। शिल्पा जी, आपको बता दूं, क्योंकि शासन प्रशासन ने भी अपनी पूरी कमर कसी थी और सबको रोका भी गया था, सबको गाइडलाइन भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण लेवल बढ़ा है, अगर आज गाजियाबाद की बात की जाए तो 999 से ऊपर, शिल्पा जी बिल्कुल 999 से ऊपर गाजियाबाद का प्रदूषण है, हमारी खुद आंखों में जलन हो रही है। बिल्कुल, जो काम होना था वो नहीं हो पाया है शिल्पा जी, क्योंकि सबसे पहले मैं एक सवाल
गाजियाबाद शासन प्रशासन से भी करना चाहूंगा हाँ। कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है और उस समय पूर्णतः लॉकडाउन लग जाता है, लेकिन इस बार भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। बात तो यही है ना कि शासन प्रशासन सरकार कितनी भी गाइडलाइंस क्यों ना बना ले, अरुण फॉलो तो लोगों को करना होता है। आपके पीछे मैं कुछ लोग खड़े हुए देख रही हूँ, आप जरा उनसे बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि लोग मानने के लिए सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं। क्या पटाखे जलाना इतना जरूरी है कि अब आंखों में जलन हो रही है? बिल्कुल, अल्टीमेटली नुकसान तो उन्हीं लोगों को उठाना पड़ रहा है ना, जरा बात करिए। हाँ मैं बिल्कुल बात करता हूँ, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रदूषण जो हुआ है ये कारण क्या है? देखिए प्रदूषण के लिए आप हमेशा आम आदमी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, मेरा ये मानना है कि इसके लिए शासन प्रशासन ज्यादा जिम्मेदार है। ज्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शासन प्रशासन के पास प्रदूषण रोकने के लिए 365 दिन होते हैं, 365 दिन अगर वो अपनी वर्किंग को करें तो प्रदूषण का लेवल वाकई में ही नीचे आ सकता है, लेकिन हर बार की तरह आम आदमी पर ही प्रदूषण रोकने और उसे थामने का ठीकरा फोड़ा जाता है। इसके लिए शासन प्रशासन कहीं ना कहीं मेरी नज़र में जिम्मेदार है। शासन प्रशासन अगर अपने नियमों को फैक्ट्रियों पर, छोटी छोटी अवैध फैक्ट्रियों पर अगर लागू करे तो प्रदूषण को रोका जा सकता है। यानी आप मानते हैं कि NGT जो अपना काम है पूरी तरह से नहीं कर पा रही है? नहीं, NGT अगर अपना काम पूरी तरह से कर पाती तो ये प्रदूषण का लेवल आज जो 935 बता रहे हैं। अरुण जी इनसे पूछिए, वो नहीं ठीक है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर लोग खुद ही पटाखे नहीं खरीदेंगे तो भला फूटेंगे कैसे? प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, जितनी भी फैक्ट्रियों में पटाखे बनाए जाएंगे वो बिकेंगे कैसे अगर लोग अपने मन में ये ठान ले कि हमें पटाखे खरीदने ही नहीं है, जलाने ही नहीं है? जरा पूछिए। देखिए अगर आदमी अपनी बात मन में रखे या अपनी बात दिल में रख के ये कहे कि हमें फोड़ने ही नहीं है, तो फिर जब आप खरीदोगे नहीं तो फिर पटाखे फूटेंगे कहाँ से? अरे आप बार बार आम आदमी को क्यों लेकर आ जाते हो? दिवाली आएगी तो आम आदमी के ऊपर ही आप ये विश्वास करोगे वो पटाखे ना फोड़े? दीपावली आती है तो पटाखे ना फोड़े, होली आती है तो पानी की बर्बादी ना करे, इसके लिए कौन आखिर कौन है जिम्मेवार? भाई जिम्मेदारी तो आपको विभागों को लेनी होगी। अगर प्रदूषण विभाग है तो प्रदूषण विभाग अपनी कार्रवाई जारी रखे पूरे साल भर। आप साल में एक दिन के लिए ही क्यों जनता के ऊपर अपना वो करते हैं पूरा फोकस कि जनता ही टोटल आपके आपके लिए काम करे है? आप कुछ काम ना करें, आपके विभाग कुछ काम ना करें, शासन है प्रशासन है। जब शासन प्रशासन लॉकडाउन को 100% लागू करा सकता है, क्या इसे लागू नहीं करा सकता? अरुण और भी लोग आपके पास मौजूद हैं सर, उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिए, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है? हाँ मैं बिल्कुल, शिल्पा जी मेरे साथ और भी लोग हैं, आपका क्या राय है कि प्रदूषण का लेवल जो इतना बढ़ रहा है कारण आम जनता इसकी जिम्मेदार है या फिर जिम्मेदार शासन प्रशासन है? देखिए आम जनता इसकी जिम्मेदार, शासन प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कि ग्रीन लेवल जो है वो पटाखे बिके और वही फोड़े जाएं, लेकिन हमारे यहाँ देखा गया है कि पटाखे बड़ी तादाद में बिके गए हैं, लेकिन उसकी मात्रा क्या हो कोई किसी का नहीं। प्रशासन बुरी तरह फेल है, प्रशासन ने कोई भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। नहीं, ये काम तो लोगों ने भी किया है ना, तो ग्रीन पटाखे गाइडलाइन थी तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि हमें पटाखे नहीं फोड़ने हैं। आम जनता को क्या पता, ये खुशी का माहौल होता है, आम जनता को क्या पता किस मात्रा में किस पटाखे में किस मात्रा में जो पटाखे का लेवल है ग्रीन लेवल है या क्या है, लेकिन यहाँ लोकल, हमारे यहाँ लोकल और भ्रष्टाचार बहुत है। लोकल स्तर के जो क्षेत्र से जो पटाखे बने मोहल्ले मोहल्ले बिके, शासन प्रशासन के अलावा आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी इस प्रदूषण के खिलाफ जंग को लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। अरुण आप हमारे साथ बने रहे, फिलहाल हमें रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, जानेंगे कि ग्रेटर नोएडा की क्या हालात है और फरीदाबाद की क्या हालात है। भाभी हमारे संवाददाता मौजूद है, छोटे से ब्रेक का लौटेंगे। चल खूब चले पटाखे, जमकर हुआ प्रदूषण, आज हो रही है इसी पर चर्चा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम सैफी ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए। नदीम, ग्रेटर नोएडा में किस तरह के हालात, वहां का AQI क्या कहता है, कितनी गंभीर है स्थिति? बिल्कुल, देखिए शिल्पा आपको साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर बात ग्रेटर नोएडा या नोएडा की जाए तो यहाँ पर जो AQI लेवल है
वो करीब 400 के पार है, क्योंकि जिस तरह से दिवाली के बाद आतिशबाजी हुई है, लोगों ने जमकर आतिशबाजी का जो है लुत्फ उठाया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का जो सबब है वो बन गया है। और इसके साथ साथ अब खुद लोगों को महसूस हो रहा है कि उनकी आंखों में जलन है और गले में जो खराश जैसी जो परेशानियां हैं वो उनको धीरे धीरे महसूस होने लगी हैं। तो आने वाले एक दो तीन दिन के अंदर इसके और जो परिणाम है वो देखने के लिए साफ तौर पर मिलेंगे। और ऐसे में जो डॉक्टर है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब स्थिति में है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको इसका पूरा फरीदाबाद में स्थिति क्या कहती है, AQI यहाँ का क्या दर्शाता है, सुनील। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि AQI लेवल जो बात करें फरीदाबाद के जो चार जोनों में बटा हुआ है, NIT, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और जो दिवाली के जो पटाखे चले हैं तमाम बैन होने के बावजूद भी ये 461 के पार 461 तक गया है, कई इलाकों में 433 रहा है। लेकिन बात करूं मैं जो PH लेवल की यहाँ पे, तो यहाँ का जो लेवल है बिल्कुल ही खराब हुआ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ बात की गई तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि उनको सांस लेने में आंखों में जलन, इस तरीके की शिकायत का जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है काफी ज्यादा। अभी हम सिविल हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, सुबह में सिविल हॉस्पिटल में आया हुआ था इसी चीज को देखने हुआ, तो कई जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो सांस की जो है परेशानी को लेकर भी यहाँ पे आए हुए हैं, और कई जो है उनको सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में भी जलन है, इसी की शिकायत लेकर आए हुए हैं। हालांकि पुलिस ने और प्रशासन ने तमाम दावे किए थे कि इस बार जो है सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसके बाद बैन कर दिए गए हैं और किसी को पटाखे चलाने और बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके यहाँ पर जब चारों तरफ देखा गया तो पटाखे बेशुमार रूप से चलाए गए, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप हम और हमारे जो लोकल साथी हैं जो यहाँ पे रहते हैं सभी हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज के जिम्मेदार हैं। लेकिन सभी को ये समझना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में आगे बच्चों को भविष्य को देखते हुए, बड़े बुजुर्गों के भविष्य को देखते हुए, कि अगर उनके स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना है तो कहीं ना कहीं लोगों को खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, ये लोगों को खुद ही तो उठानी पड़ रही है ना। ऐसे में पटाखे ना फोड़ने की बात उन्हें खुद से समझनी होगी, इसकी दरकार इस समय नजर आ रही है। ममता चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद है राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में तो पूरी तरह से बैन था ममता, ना पटाखे बिकेंगे, ना खरीदे जाएंगे, ना फोड़े जाएंगे, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उलट। शिल्पा, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे टीवी पर प्रचार के माध्यम से दिल्ली वासियों को संबोधित करते रहे कि पटाखे ना जलाएं ताकि पोल्यूशन ना हो दिल्ली में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पटाखे दिल्ली वालों ने खूब खरीदे और जमकर दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़े, और उसका असर ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर है वो 410 से भी ऊपर हो गया है, कई जगहों पर तो 500 से ऊपर देखने को मिला है, जिसके चलते दिल्ली वालों का जो सांस लेने की स्थिति है वो बहुत मुश्किल के दौर में है और सांस लेने में बहुत दिक्कत है लोगों को, और खासतौर पे जो दमा के पेशेंट हैं उनके लिए मुश्किल का सबब बन गया है ये पोल्यूशन, क्योंकि उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे में उनको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ रहा है। हालांकि अगर दिल्ली की हम बात करें, प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण तो एक तरफ, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। गोपाल राय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों को रोकते रहे कि आप पटाखे ना खरीदें, लेकिन दिल्ली वालों की जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए कसूरवार है। बीजेपी ने अंदर खाने से लोगों को प्रोत्साहित किया पटाखे खरीदने पर, ताकि दिल्ली का पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो अपनी जगह पे है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग परेशान है, लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, आपका भी सुनील, आपका भी नदीम और अरुण चंद्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इन तस्वीरों को और इस पूरी ताजा स्थिति को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल मिलाकर आम लोगों को खुद से समझना होगा, सिर्फ शासन प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराने से क्या होने वाला है। तकलीफ आपको हो रही है, समाधान आपको खोजना होगा, या आपको तय करना था कि पटाखे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। दिवाली मनानी है, मनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, दिए जलाइए, मोमबत्तियां जलाइए, पटाखों से प्रदूषण जो अब हुआ है, तकलीफ तो आप ही को हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, और जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, जरा सोच कर देखिएगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।